हम दीने मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही, इस्लाम की अजमत के निगहबान सिपाही, बातिल की खुदाई को गवारा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। खुशनुदी रब मकसद हस्ती है हमारा, कुरान ही दस्तूर सांसी है हमारा, कायद भी मोहम्मद समिसाली है हमारा, अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। पैगाम सुकून राहत जा लेके उठे हैं, एक सोजे यकीन अज़्म जवा लेके उठे हैं, हम जज्बाए तामीर जहां लेके उठे हैं, संगीन हालात की परवाह न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का। खासतौर पर मुस्लिम ख्वातीन को हमने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि आपका हिजाब में रहना और आपका पर्दा करना ये आपका संवैधानिक हक है। हमारे मुल्क के दस्तूर, संविधान, कानून, आईन ने इस बात का आपको हक दिया है कि आप अपने मज़हब के मुताबिक जो पहनना चाहें पहने, जो खाना चाहें खाएं, जो पीना चाहें पी, और जिस तरह कानून और शरीयत के दायरे में रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहें गुजारें। किसी को ये हक नहीं है कि वो आपको बेलिबास करे, किसी को ये हक नहीं है कि वो आपसे ये मुतालबा करे कि तुम बेपर्दा रहो, बेहिजाब रहो। जाहिर बात है, हैरत होती है कि मुल्क में नंगे रहने वालों को कोई ये नहीं कहता कि कपड़े पहने, कम कपड़े में रहने वालों को कोई ये नहीं कहता कि तुम अपने जिस्म को ढांको। हमारी बहनें बेटियां अगर आईनी हक और शरीयत की पासदारी करते हुए अगर वो पर्दा करती हैं, हिजाब में रहती हैं,